ये है शू यी। ये QC82 के सह संस्थापक हैं। ये एक छोटा स्टार्टअप है जिसका जन्म अमेरिका की वर्जीनिया यूनिवर्सिटी की लैब से हुआ है। ये लोग अत्याधुनिक सेमीकंडक्टर बना रहे हैं जिन्हें चिप्स भी कहते हैं। ये लाल बॉक्स असल में ये लेजर है जो पूरे सिस्टम को चलाती है और इस एनवायरमेंटल चैम्बर के अंदर एक बहुत छोटी चिप है। मज़े की बात यह है कि चिप को छोड़कर बाकी सारी चीज़ें सामान्य तापमान पर हैं, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। शू हुसैन जैदी के साथ काम करते हैं। जैदी QC82 के CEO हैं। वो कहते हैं कि उनकी कंपनी की चिप भले ही बहुत छोटी हों लेकिन एटम और मॉलिक्यूल की गति की नकल करने जैसे काम कर सकती हैं। इसमें लागत कम होती है और दवा बनाने की रफ्तार बढ़ती है। हालांकि जैदी और उनके साथियों का ज्यादातर काम सैद्धांतिक है और भविष्य पर आधारित ऐसे स्टार्टअप के लिए पैसे जुटाना आसान नहीं है। शुरुआत में संसाधनों की जरूरत ज्यादा है, जैसे धन और वक्त। ये मेहनत का काम है लेकिन इससे बड़े पैमाने पर तकनीक विकसित की जा सकती है और उस तकनीक की उम्र बहुत ज्यादा होगी। चिप्स एंड साइंस एक्ट के कारण अब उनकी सोच को समर्थन मिल रहा है। अमेरिकी सरकार ने $280 अरब का तकनीकी पैकेज तैयार किया है जिसका मकसद चिप्स और अन्य अत्याधुनिक तकनीकों को देश में विकसित करना है। बात यह है कि कानून भले ही पिछले साल अगस्त में तैयार हो गया था लेकिन धन असल में अब तक आया नहीं है। फिर भी QC82 जैसे छोटे स्टार्टअप जो सिर्फ रिसर्च पर आधारित हैं, उनमें निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ रही है। रिचर्ड चेला बहुत से तकनीकी स्टार्टअप के लिए फंडिंग लाने का काम करते हैं। एकाएक हमारे पास ऐसी कंपनियां आ गई हैं जिनकी तकनीक सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री से जुड़ी है और एकाएक ही उन्हें बहुत सारे निवेशक मिल रहे हैं जो उनसे बातचीत करना चाहते हैं और उनकी अगले दौर की तकनीकों के बारे में जानना चाहते हैं। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री बताती है कि इस एक्ट की वजह से $200 अरब का निजी निवेश इंडस्ट्री में आ रहा है। माइक्रॉन ने न्यूयॉर्क के सायराक्यूज में सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री में $100 अरब का निवेश किया है। इंटेल ऐसी ही फैक्ट्री के लिए ओहायो में $20 अरब का निवेश कर रही है। QC82 की टीम ने अरबों के निवेश के बिना अपना पहला चिप प्रोटोटाइप बनाया। अब भविष्य में जो भी हो, अपनी इस उपलब्धि पर उन्हें गर्व है। जो पूरी तरह अज्ञात है उस दिशा में आप थोड़ा आगे बढ़े हैं। बेशक हम भी भविष्य में क्वांटम कंप्यूटर को सफल होते देखना चाहते हैं, लेकिन वैसा चाहे ना भी हो, हम उसके लिए कोशिश करना चाहते हैं और हम तकनीक को उस हद तक आगे बढ़ाना चाहते हैं जहां तक इंसान जा सकता है। अगर कामयाबी मिली तो शू हुसैन और उनके बाकी साथी चीजों को और आगे ले जाना चाहते हैं। एक दिन वे अमेरिका में ही अपने प्रोडक्ट शुरुआत से आखिर तक डिजाइन करने की उम्मीद रखते हैं, बशर्ते चिप्स एंड साइंस एक्ट अपने वादों पर खरा उतरे।